पाकिस्तान में प्रोविजनल इलेक्शन रिजल्ट्स तकरीबन आ चुके हैं और जो पिक्चर बनी है उसमें सेंटर में इमरान खान बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ की पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं। अगर प्रोविंसेस की सिचुएशन को देखा जाए तो वहाँ पर भी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इमरान खान के सपोर्टेड कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान में एक स्प्लिट मैंडेट है जिसमें पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सब ने थोड़ी थोड़ी सीटें ली हैं, और पंजाब में अगर देखा जाए तो बहुत ही एक नेक टू नेक कंपटीशन रहा है, और यहाँ पर भी एक बहुत बड़े नंबर में इमरान खान के सपोर्टेड कैंडिडेट्स विन किए हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास है। अगर देखा जाए पार्टियों को तो इमरान खान तो जेल के पीछे हैं और जाहिर है कि उनकी जो लोग हैं उनके पास एक पार्टी का प्लेटफॉर्म तो फिलहाल नहीं था, तो नवाज शरीफ ने अभी पूरे रिजल्ट्स एक तरह से अनाउंस भी नहीं हुए थे तो विक्ट्री स्पीच की, और ये उन्होंने क्लेम किया था कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभरे हैं इन इलेक्शंस में, और उन्होंने जो स्पीच की उसमें उन्होंने एक मिलकर चलने का सबको पैगाम दिया। क्योंकि आज हमारे पास इतनी मेजोरिटी नहीं कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इतिहादी पार्टियों के साथ जो कि इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं, हम जरूर बजरूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें, हमारी हुकूमत हम मिलकर बनाएं और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। अगर रिजल्ट्स को देखा जाए तो एनालाइज इसे कैसे किया जा रहा है, पाकिस्तान में एनालिस्ट ये समझते हैं कि पीटीआई को अगर देखा जाए तो उसकी बहुत स्टेलर परफॉर्मेंस रही है। वैसे तो इसमें कुछ ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं हैं, एक्सपेक्टेशन यही थी कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन फिर भी इस मुकाबले के अंदर एक अच्छी फाइट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उन्होंने पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा से और ख़ास तौर पे सेंटर में तवक्को से बहुत ज़्यादा नंबर्स लिए हैं, गिवन के उनके ऊपर जितना प्रेशर था, गिवन के जिस तरह से उनका सिंबल ले लिया गया था, उनको कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी और उनके लीडर भी जेल में थे, और एनालिस्ट अब ये समझते हैं कि आगे चलने के लिए बहरहाल ये बहुत ज़रूरी होगा कि पीटीआई को किस तरह इस सिस्टम में शामिल किया जाता है, क्या पार्टियां इस बात पे एग्री कर जाती हैं कि अब हमने एक सिस्टम में रहते हुए आगे बढ़ना है और मुल्क को आगे चलाना है। एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सियासतदानों ने और स्टेक होल्डर्स ने मिलकर आपस में कि मुल्क को कैसे लेके आगे चलना है, तो फिर कोई बातें ज़्यादा नहीं बनेगी और कोई खराबी पैदा हुई होगी तो उसका हल निकल आएगा। लोगों की बात की जाए तो लोग जो हैं उन्होंने एक तरह से सुख का सांस भी लिया कि इलेक्शन हो गए हैं, लोग बहुत परेशान थे, इन्फ्लेशन से बहुत परेशान हैं, पाकिस्तान जो है पिछले कुछ अरसे में बहुत तेज़ी से नीचे गया है, उस पर लोग परेशान फिक्रमंद थे और कुछ लोग एंग्री भी थे और उनको गुस्सा भी था, तो इलेक्शन ने एक प्लेटफॉर्म लोगों को दिया है, लेकिन अब लोगों में भी एक सोच यही पाई जाती है कि जिसकी भी गवर्नमेंट बननी है बस मुल्क का सोचा जाए और मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश किया जाए और डिलीवर किया जाए। हमारा नया सरकार से ये तौकात है जी, उसको मैं अपील करता हूँ और ये बोलता हूँ जी आवाम के रिलीफ पैदा कर ले, और ये पाकिस्तान का सोच है और ये गरीब आवाम का सोच ले, बस हमारा तो ये तौकात है जो भी आए। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो मैं ये एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि अगर नून लीग भी आ रही है तो मैं उनसे ये गुजारिश करती हूँ कि आप सबसे पहले इस चीज़ पर फोकस करें कि जो दिन ब दिन बिल भर रहे हैं और ये जो बेरोज़गार हैं और जिनको एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो लोग नहीं अपने बच्चों की फ़ीस अफोर्ड कर सकते, उनके लिए कुछ ना कुछ वो फैसिलिटीज़ करें। अभी सिचुएशन ये है कि मशवरे हो रहे हैं, सियासी जोड़ तोड़ हो रही है, छोटी पार्टियों को साथ मिलाने के लिए कोशिश हो रही है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत एक्टिव है, पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने भी मुलाकातें की हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इमरान खान के अलावा भी जो कि जेन्युइनली बगैर किसी पार्टी एफिलिएशन के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनको भी साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद जब ये और लोगों को साथ मिला लिया जाएगा फिर बड़ी पार्टियां आपस में एक दूसरे से बैठ के व्हीलिंग डीलिंग करेंगी, लेकिन लगता यही है अभी तक के जो अंदाजे हैं, नवाज शरीफ
को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मिल सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा नंबर लेने के बावजूद भी शायद अपोजिशन पार्टी के तौर पर ही नज़र आएगी।